फॉलो करते हैं तो विष्णु ही कहलाते हैं, प्योर वेजिटेरियन, नॉट यूज द एग, हेड ऑफ द फैमिली वाइट ड्रेस, लेडीज रेड स्कर्ट, नो हंटिंग मैम। सलमान खान का मामला सुना होना होगा आपने, ब्लैक बक इसी गांव के इसी कम्युनिटी में हुआ था, ब्लैक बक हमारे समाज में होती है बट विलेज मेडिसिन हॉस्पिटल दूर रहता ना, बच्चे का लूज मोशन, स्टोमेटिक प्रॉब्लम, हार्डवेयर खेती बाड़ी में काम करते हैं, पेन होता थकान, तो ओपियम यूज, ओपियम नॉट वाहन की तरह नहीं, शराब की तरह दिमाग पर असर नहीं करते, एक मिस यूज है रेगुलर लेंगे प्योर फॉर्म में 10-12 दिन तो आपको आदि आदि हो जाएंगे आप, नॉट रेगुलर लेना है नॉट प्योर फॉर्म लेना है, मनवार होती है मनवार तो कोई ऑफर करता है ना शादी घर गए मेहमान तो उसका मान रखने के लिए हम थोड़ा अफीम लेंगे। अच्छा, ये क्यों हुआ अफीम का साहब, पहले गाँव के अंदर सिर्फ बाई वॉक आते या ऊँट से आते, 4-5 घंटे से पहुंचते थकान होती पेन होता तो उसको पहले एफी मोपर की जाती थकान को कम करने के लिए। धीरे धीरे हमारे ये कल्चर बन गया विष्णु समाज, ये इधर फार्मिंग होती है साहब साल में 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि इधर पानी नहीं ना तो बारिश के टाइम बाजरा होता, हमारे यहाँ मुख्य साहब तिल हो गए साहब, मिक्स में व्हाइट और काला दोनों ही होते हैं, ये मूंग दाल हो गई, 3 क्रॉस होती है, और ये आपने खाई होगी कैर सांगरी सब्जी राजस्थानी थाली में, राजस्थान की अच्छी रहती है, अच्छी थी कैर सांगरी सब्जी बोलते हैं हम साहब, और ये है ओपियम पॉपी, इसकी खेती गिव द लाइसेंस उदयपुर कोटा नीमच सरकार मेडिसिन पर्पस में जाती है, पेन कलर की दवाइयां मिक्स होती है, मॉर्फिन हो गया या कोई दूसरी दवाई में सरकार अपने अंडर में खेती करवाती है, डोडा बोलते हमारे लोकल मारवाड़ी भाषा में ओपियम पॉपी सीड्स बोलते हैं, खसखस खाते हैं आप पोस्ट तो इसी के सीड्स हैं, कच्चा होगा कट लगाएंगे लिक्विड आएगा वो प्योर ओपियम है, पकने के बाद अंदर खसखस होता है, पोस्ट तो पोस्ट तो बिल्कुल, बैठिए ना आप आराम से बैठिए साहब, ये है ओपियम बट नॉट प्योर फॉर्म, 10% ओपियम बाकी चीनी और गुड़ है, आज भी हमारे वेडिंग टाइम कंपल्सरी ओपियम सभा होती है, जैसे हमारी बात नहीं करती वेडिंग टाइम हमारे जेंट्स अलग होते हैं, जेंट्स बैठते हैं सब मेहमान आगे 100-150 लोग नीचे बैठेंगे, उसमें जो बुजुर्ग होगा ना वो अफीम सेरेमनी करेगा, वो आगे अफीम सभा करेगा, फिर वो अपने हाथ से एक दूसरे को ऑफर करेगा, जैसे कि साहब को मैंने 3 बार पिलाया साहब मेरे को 3 बार पिलाएगा, इस तरह का हमारे यहाँ सभा के अंदर पहले अफीम सभा चलेगी फिर चाय खाना पीना बाद में रहता है, महिलाओं को सिर्फ मेडिसिन यूज ओपियम होता है नहीं तो जेंट्स की रहती है सभा अफीम मनाते हैं, किस तरह का होता है, आप मेहरानगढ़ किला गए जोधपुर? नहीं अभी तक नहीं गए, जाएंगे तो ध्यान रखना है उक्के के पास में इतना बड़ा सिल्वर का ये रहेगा, पहले वॉरियर कम्युनिटी युद्ध में जाती ना सेना को एनर्जी के तौर पे अफीम पिलाती, थोड़ा बहुत कट लगता सूर्यास्त तक युद्ध चलता ना तो थकान होना दर्द नहीं होता, तो बनाते हैं साहब किस तरह, इसको हम कोल नेम इज खड़ बोलते हैं लोकल मारवाड़ी लैंग्वेज में साहब, अभी मैंने डाला साहब प्रेस करेंगे फिल्टर करेंगे फिर शिवजी को ऑफर करेंगे, इस तरह का चलता है साहब, ये क्या अफीम है? अफीम तो हम विष्णु समुदाय नेचर के रिलेटिव है, नेचर को बचाते हैं साहब, नेचर के लिए पेड़ों के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, चिपको मूवमेंट हुआ 1730 में, आपने सुना होगा पढ़ा होगा, तो आज भी हम हरा पेड़ नहीं काटते हैं साहब, कहाँ पे हुआ था एग्जैक्टली? इधर यहाँ से 20 किलोमीटर आगे खेजड़ली करके गांव है खेजड़ली, वहाँ पे हुआ था, आज भी हर वर्ष मेला होता है, ये संदेश फैलाने के लिए लाखों में विष्णु समाज के लोग एकत्र होते हैं, ये संदेश फैलाते हैं कि नेचर को बचाओ साहब, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं साहब, वेडिंग टाइम दोनों से फिल्टरिंग चलेगी साहब, ज्यादा मेहमान होते ना इसी तरह का, या गांव का हाई कोर्ट बोलो तो यही है, क्योंकि कोई भी रिश्ता या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया बूटा वापस सेटलमेंट करने के लिए एक दो परिवार को अफीम पिलाएंगे वापस साथ में बैठाएंगे तो वो सेटलमेंट हो जाएगा साहब, चाहे कितना भी बड़ा मामला हो गया राजीनामे के तौर पे ये दोनों पक्षों को पिलाएंगे ना साथ में बैठा के मनवार करेंगे ना तो वो उनमें कोई वापस लड़ी झगड़ा नहीं, पहले जैसा उठना बैठना साथ में,
इधर में लड़ाई झगड़ा हो का आदमी कहाँ है? अरे लड़ाई झगड़ा का आदमी कहाँ है? आदमी तो बहुत है गांव के अंदर। कहाँ पर आदमी? अभी एक आवाज दी ना मैं जोर से तो सब लोग आ जाएंगे। तुमीदन में है, एक तो है जो 3 माइल दूर में है। तो इसका यही तो रीजन है साहब विष्णुई का। विष्णुई कभी झुंड में नहीं रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे ना, बाहर खुले में। गांव में विष्णुई कम्प्लीट लिविंग नहीं करती। मुख्य कारण क्या? नेचर को बचाना, हिरण मोर पक्षियों को दाना डालना, बाहर पेड़ पौधों के नेचर के साथ में रहना। झुंड में नहीं रहते हैं विष्णुई कम्युनिटी। कभी भी कभी गाँव में, गाँव के अंदर अभी जाएंगे ना आप, गाँव के अंदर से जाएंगे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को देख लेंगे गांव के अंदर। विष्णुई का एक भी घर गांव के अंदर नहीं रहेगा, बाहर खुले में रहेगा, खेतों में नेचर के साथ। हाँ, हमारा यही मकसद है साहब। अब शिव जी को ओम शिव शंकर महादेव, कृष्णवासी शंकर महादेव, हरे हरे महादेव, नीलकंठ महादेव, बम बम बोले। ओम शंकर महादेव, बम बम बोले। ओम शंकर महादेव।